तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में मंगलवार को एनडी गठबंधन द्वारा आयोजित जनसभा में झामुमो नेत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, कोडरमा लोकसभा उम्मीदवार विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम में कल्पना मुर्मू सोरेन को सुनने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटी थी। कड़ी धूप होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। उड़न खटोले से उनकी एंट्री होते ही पूरा मैदान भर गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने उम्मीदवार विनोद सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने विनोद सिंह की सराहना करते हुए कहा कि वे कोडरमा लोकसभा से कर्मठ, जुझारू और जनसेवा में आतुर उम्मीदवार हैं। जब वे विधानसभा में गरजते हैं तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज के साथ साथ तीसरी में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। इसके अलावे वे विपक्ष पर जमकर बिफरी। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए मांगने की हिम्मत की। झारखंडियों का विकास करने वाले, झारखंड के लोगों के बारे में सोचने वाले नेता को आज जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हेमंत जी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर सौंपे हैं और उस जिम्मेवारी को मैं हर हाल में निभाऊंगी। विनोद सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिले का सबसे सुनहरा प्रखंड तीसरी की चमक आज खो सी गई है। यहाँ के सांसद और विधायक ने जो वादा किया था वह अब तक पूरा नहीं किया। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। जेल जाएंगे तो झारखंड में भाजपा 14 सीट जीतेगा, लेकिन मैं उस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ, 14 को आप छोड़ो, 14 को मिल दिया गठबंधन जीतेगा। और भारतीय जनता ने किया है इन लोगों को ईडी के तरफ से हमारे नेताओं को ड्राफ्ट में लोकतंत्र को हाईजेक करना चाहता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के और हमारे लाखों को हजारों कार्यकर्ता आज अपना पसीना बहा करके 3 घंटे से तीसरी की धरती पर है। और मैंने 2 दिन पहले कहा था कि एक तरफ दिल्ली के बड़ौदा विधानसभा में केंद्र प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 3 जिला से लोगों को बुला रहे हैं, और एक तरफ हमारा तीसरी प्रखंड गाँव देवरी के जनता रहेगी और 2020 का मैच होगा और इस काम को जीत लेना है। और आज हमने भाजपा को हरा दिया है और अब 20 तारीख को झंडे बत्ती नहीं रहे हैं। और ये बात हम एक ही है कि पूरे इस देश के बदलाव के साथ कोडरमा की भी जनता, कोडरमा के भी लोग बदलाव के लिए सोच रहे हैं, बदलाव की ओर अग्रसर है। जिस तीसरी की धरती पर आप यहाँ मौजूद हैं, यह तीसरी कभी गिरिडीह जिले का सबसे सुनहरा इलाका होता था, जहाँ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास जो है वो गिरिडीह जिले में जो है कटौती की है, और आज वो कह रहे हैं 400 पार। आज वो दूसरी बार जो है काट की हरी चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और आप जान लीजिए कि एक महोदय विधानसभा के लिए वो 3 लोकसभा का जो है सामूहिक रैली कर रहे हैं गिरिडीह की धरती में, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग के। आप झंडे पे 3 तारा, 7वें नंबर पर आपको बटन दबाना है और बता देना है कि इस बार इस तीसरी की धरती से, इस गांव के इलाके से, इस कोडरमा के लोकसभा के इलाके से आपकी यहाँ खरीदार की आवाज बुलंद होगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सबको और अपनी तरफ से समर्थन देते हैं।
दीजिएगा। और इतनी तादाद तीसरी है, आप लोगों ने भी जवाब दे दिया है, आप लोगों ने ये प्रमाण कर दिया है कि हमारे यहाँ का सांसद कैसा हो, तो आप ही जवाब बताइए आपका सांसद कैसा हो, प्रत्याशी
भेजेगा, भेजेगा। आप दोनों हाथ उठा के मुझे बता दीजिए कि आपने आशीर्वाद दिया, आपने आशीर्वाद दिया। मैं यहाँ से आश्वस्त होकर जाना चाहता हूँ कि यहाँ धनबाद के इस जगह से देखिए, आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ जो जनता का आशीर्वाद है ये सबसे बड़ा प्यार है और ये सबसे बड़ा स्नेह है कि हमारे विनोद सिंह जी के साथ साथ बताइए हमको भी यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरे लिए जगह भी नहीं है, लेकिन जो आशीर्वाद है और जो जिम्मेदारी सब सामने में आई है उसको मैं बखूबी निभाऊंगी और विनोद सिंह जी भी पहुँचेंगे। कैसा लग रहा है? देखिए, आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ जो जनता का आशीर्वाद है ये सबसे बड़ा प्यार है और ये सबसे बड़ा स्नेह है कि हमारे विनोद सिंह जी के साथ साथ बताइए हमको भी यहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है। और मेरे लिए ये जगह भी नहीं है, लेकिन जो आशीर्वाद है और जो जिम्मेदारी सब सामने में आई है उसको मैं बखूबी निभाऊंगी और विनोद सिंह जी भी साथ में नहीं कितना असहज महसूस।